नगर निगम के 14वें वित्त आयोग की गठित कमेटी की बैठक महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में जीडीए सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजय पांडेन, जीडीए उपाध्यक्ष ए दिनेश कुमार, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में महानगर के प्रत्येक वार्डों में जर्जर सड़कों के निर्माण, जनता तथा पार्षद द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को पूरा करने, सभी वार्डों के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी लगवाने सहित अन्य विकास योजनाओं को पूरा करने की योजना तैयार की गई। इस संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ने महानगर के विकास के लिए धन अवमुक्त किया है, जिसकी कार्य योजना बनाकर प्रत्येक वार्डों में सड़क निर्माण का कार्य कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, जैसे जो एक एक जो मान लीजिए गैलेंट में एक पार्क दे दिया, एक पार्क में तो पूरा मेंटेन करें, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन पार्क देखिए मेंटेनेंस बड़ा सर एक बिल्डिंग हाँ तो कोई ठेकेदार के साथ लोग होंगे एक पकड़ा जाएगा हम क्या गिरी कॉलोनी का जो कुछ है वो पार्क वो कर लें अपने वो नाम कराना तो इसको करा और RWS भी थोड़ा तैयार रहते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऊपर है कहाँ कॉलोनी ठीक ठाक बनी है उसके आसपास वाले वो खुद लेने के लिए रहते हैं ताकि सुबह उनका ठहरना है, घूमना, योगा करना जो भी है वो करा लेते हैं। थोड़ा बहुत कम भी करते रहेंगे सर लेकिन वो करना है और वे जो मलिन बस्ती के अंदर 130 मलिन बस्ती है उसी का यार आप धंधे का जो कितना हो चुका है आप कुछ योजना है तो आप वो घोड़ा बना के दे दो, घोड़ा से पैसा मिल जाती जैसे बात करो से रोजगार दे दो चारों तरफ से बात करो अभी 50 करोड़ होता काफ़ी मेहनत बना रहे हम बना रहे सर चार पाँच रुपये अभी तो प्रमुख सचिव आए थे, प्रमुख सचिव जो ये आवास आए थे प्रमुख सचिव अभी आने वाले हैं आपका नगर विकास प्रमुख सचिव साहब मनोज सिंह साहब आ रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए जो भी सर्वे उसे कराए थे हमें तो एक दो साल का टाइम फिक्स करके उसके अंदर जो भी काम होगा खत्म कर दिया गोरखपुर में जिनके लिए मान 70 वार्ड है मान लीजिए 70 वार्ड एक वार्ड का मोटा मोटा मान लीजिए 15 गली में 30 गली मान लो हम लोग उससे गुना करेंगे तो हम हमारा मान लीजिए 2000 गली बनता है 2000 गली दो साल में उसी हिसाब से हम रिवर्स एप्रोच करेंगे दो साल के अंदर सारे काम हो गए तो नाली के काम जल का नाम पार्क हो या जो भी कितने योजना में पैसा ऐसे भुगवाना है हम उसमें भुगवा हम लोग साधन संसाधन से किसी में पाए तो ठीक है बाकी तो हम शासन के लिए नहीं यूज करते नई योजना हो उसी हिसाब में भी शासन में प्रयास कर रहा हूँ उसको कुछ हो जाएगा प्राइवेट फंडिंग हो जाएगा और अवस्थापना में अलग से शासन में कुछ करते हैं वो हम लोग उसको प्रस्ताव यदि समय से दे देते हैं इसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के पहले हम लोग को पैसा मिल जाएगा थोड़ा 10-15 करोड़ हम लोग बना हुआ है जो काम हो गया उसको निकालना है जो काम हमारा स्वीकृत हो गया 190 करोड़ की हम लोग योजना बनाई है 189 करोड़ हमको जो काम उसमें स्वीकृत हो गया उसको निकाल दीजिए निकालेंगे प्लस ये निकालेंगे डोडा वाले डोडा उनका पॉइंट मिल जाए हमारा पॉइंट सफाई और एनफोर्समेंट है जिससे लोगों मिला के चाहता हूँ हर गली में एक कम से कम एक कैमरा तो बना करके दे जैसे बहुत इसका बनाया है ना वो उनसे सीसी को पकड़ो ना ITMS वाले तुम्हारे किया है वो ठीक बंदा है उनके ही तो ये बता मुझे तो मोटर वाला तो कर कैमरा वाला कर दीजिए कानपुर में मेरा कराया हो साल पे साल काम था किससे कराया तो वो सीसी हमारे यहाँ ITMS ट्रैफिक वाले वही कर रहा वो लड़का तो सारा कंट्रोल हो मुख्यमंत्री जी ने 14वें वित्त के पैसे अवमुक्त किए हैं जिसके तहत आज मीटिंग की गई है जिसमें DM साहब PWD के अधिकारी हमारे GDA उपाध्यक्ष और हमारे नगर आयुक्त चीफ इंजीनियर जलकल के GM ये सभी लोग उपस्थित हैं और जो पैसा हमें मिला है सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा शहर के विकास के लिए उसकी योजनाएं बनाई गई है हर वार्ड में हर पार्षदों के संतुति पर सड़क और नाली निर्माण के लिए पैसे स्वीकृत किए गए हैं और दिवाली के
पहले सब टेंडर हो जाएंगे और जितने भी प्रस्ताव पार्षदों की तरफ से आया है और नागरिकों की तरफ से आया है उसे स्वीकृत किया गया है। जो हमारे पास पैसे थे उस आधार को लेकर के और भी पैसे मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है नगर निगम को देने के लिए सारे गलियों सड़कों का निर्माण के लिए, वो भी पैसा आएगा। तो हम लोग मीटिंग करके पार्षदों की मांग के आधार पर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में सभी वार्डों के जो पेंडिंग काम है उसको हम जल्द से जल्द कराएंगे और सभी नागरिकों से मैं अपने तरफ से दिवाली के शुभ अवसर पर छठ के पर सभी नागरिकों को अपने तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।